बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू पीपल आर ऑल राइट। और आज का हमारा टॉपिक है जी एवेपोरेशन। बुक पे आपको पेज 84 और 85 पे मिल जाएगा ये, ठीक है जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी, अच्छा, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हम पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़नी है जी टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, जिसमें आप एवेपोरेशन पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, डिफ्यूजन है, ठीक है। ये सारी हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है जी, एवेपोरेशन है, जिसकी हम डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। क्या चीज़ है जी एवेपोरेशन? एवेपोरेशन इज द प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि आपके जो लिक्विड फेज है वो चेंज होगी गैस फेज में, ठीक है। लिक्विड फेज चेंज हो रही है किसमें? गैस फेज में, ठीक हो गया। अब ये कंडेंसेशन का रिवर्स है, इस बात का क्या मतलब है? कंडेंसेशन क्या होता है कि गैस का लिक्विड में आना, और एवेपोरेशन क्या है? लिक्विड का गैस में जाना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं, सही हो गया। दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है, रिवर्स है। अगर हमारे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर, अगर हमारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एवेपोरेशन है। लेकिन अगर भाप जो है वापस पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो क्या है? कंडेंसेशन है, ठीक। तो एवेपोरेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इन टू अ गैस फेज इज कॉल्ड एवेपोरेशन, वाइल इट इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। याद रहे कि डेफिनेशन ऑफ जो एवेपोरेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं जी, एवेपोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे है। अच्छा, अब एंडोथर्मिक क्या होता है जी? एंडोथर्म का मतलब समहाउ टेम्परेचर और हीट, ठीक। तो एंडो का मतलब एड होना। दो तरह के हमारे पास प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो एवेपोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पानी को अगर भाप में चेंज होना है, या पानी को एवेपोरेट होना है, या वेपर्स बनाना है, तो उसके लिए उसको हीट को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो वहां पर प्रोसेस कौन सा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा वहां पर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसको जस्टिफाई करने का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जस्टिफाई एवेपोरेशन इज अ जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, एंडोथर्मिक मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अच्छा जी, अब उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरह से एंडोथर्मिक है, कि एक मोल ऑफ वाटर है उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 40.7 किलो जाउल। इतनी एनर्जी अगर एक मोल ऑफ वाटर को मिलेगी तो फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। इतनी एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, इसका मतलब प्रोसेस कौन सा हो रहा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, और फिर वो जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। इक्वेशन आपकी बुक पे इस तरह से लिखी हुई है कि वाटर जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीचे L, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये आपको L नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये L क्या शो कर रहा है? L शो कर रहा है दिस इज लिक्विड, और यहाँ पर आपको ये गैस नजर G नजर आ रहा है, तो ये शो कर रहा है गैस है, ठीक है। तो वाटर जो है वो लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो गया है, और इसके लिए जो हीट ऑफ एवेपोरेशन आपको नजर आ रही है, यानी एंथैल्पी ऑफ एवेपोरेशन जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, वो कितनी है? 40.7 किलो जाउल पर मोल, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर इतनी हीट ऑफ एवेपोरेशन, इतनी हीट देंगे तो वाटर कन्वर्ट होगा फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैस फेज, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अगर आप लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत हाई होती है, कुछ की मीडियम होती है, कुछ की लो होती है, ठीक हो गया। तो यहां पर वो बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी है, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, कुछ की एवरेज है, मेजोरिटी की एवरेज है, ठीक है, और कुछ की मोर देन एवरेज है, ठीक है। एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली सारे मॉलिक्यूल्स की, तो हमने कहा कि कुछ मॉलिक्यूल्स की उस एवरेज से भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। तो अब होगा क्या कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज्यादा होगी,
ठीक है, वो क्या करेंगे कि वो इंट्रोमॉलिकुलर फोर्सेस को या अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके क्या कर जाएंगे, उड़ जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो जल्दी उड़ जाएंगे या जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, एज कम्पेयर टू वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लो है। ठीक है, तो ये आप इसी तरह से बुक पे हेडिंग बना लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, या आप इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की भी हेडिंग दे सकते हैं। अच्छा जी, इवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इवेपोरेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल है। इसका मतलब क्या है कि हर तरह के टेम्परेचर पे पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया कि आपने एक ग्लास पानी रखा, और आपने रूम में रखा एक ग्लास पानी, और आपने एक ग्लास पानी रख दिया धूप में, ठीक हो गया। अगर जो आपने रूम में रखा है वो भी इवापोरेट हो जाएगा, और जो धूप में रखा है वो भी इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन जो धूप में रखा है वो जल्दी इवापोरेट होगा, जो रूम में रखा है, जो आपने किसी कमरे में रख दिया है, वो जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, लेकिन हो वो भी जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इवापोरेशन होती हर जगह पे है, होती हर टेम्परेचर पे है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं कि इट इज टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पे होती है ये, हर तरह के टेम्परेचर पे होती है, लेकिन वो अलग मैटर है कि ये फास्ट होगी या स्लो होगी, लेकिन होगी हर टेम्परेचर पे। अच्छा जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन, एवेपोरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ज्यादा होगा। ठीक है जी, यानी थोड़े टाइम में ज्यादा एवेपोरेट हो जाएगा। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे एवेपोरेशन रेट बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। ठीक है जी, दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जस्टिफिकेशन देनी है आपने इसकी। ठीक है जी, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जी, एवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। अब ये कूलिंग प्रोसेस कैसे है? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज है और कुछ की एवरेज से भी ज्यादा है। अब क्या होगा कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से भी ज्यादा है, वहां पर क्या होगा कि वो वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, तो बाकी कौन से मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे जिनकी एनर्जी क्या है, लो है। सही हो गया, जिनकी एनर्जी लो है वो अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, जाहिर है जिसकी एनर्जी लो हो गई है वो अपनी एनर्जी को हाई करने की कोशिश करेगा। तो वो अपनी एनर्जी को हाई करते हुए क्या करेगा कि एनवायरमेंट से एनर्जी लेगा, एनवायरमेंट से हीट लेगा, और जब वो एनवायरमेंट से मॉलिक्यूल्स हीट लेंगे तो क्या होगा कि एनवायरमेंट में कूलिंग होगी। ठीक है, यानी जो हाई एनर्जी वाले हैं वो उड़ जाएंगे, पीछे लो वाले रह जाएंगे, लो वाले अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए एनवायरमेंट से एनर्जी लेंगे, और एनवायरमेंट से एनर्जी जब वो लेंगे तो क्या होगा कि एनवायरमेंट की हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वहां पर क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि व्हेन द हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपराइज द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग फॉल्स डाउन, बाकी उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस डेफिशिएंसी को, उस जो वो जो एनर्जी उनकी कम हुई उसको कंपनसेट करने के लिए वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो एनवायरमेंट से एनर्जी लेंगे, और इसकी वजह से जो सराउंडिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कूल हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं जी, आप अपने हाथ पे अल्कोहल का या पेट्रोल का या स्पिरिट का अगर एक ड्रॉप लगाते हो तो क्या होगा कि वो उसी वक्त उड़ जाता है और आपको कूलिंग फील होती है। जैसे आजकल अगर आप सैनिटाइजर हैंड पे यूज करो तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या, सैनिटाइजर में भी जो है वो अल्कोहल होती है, तो अल्कोहल बहुत जल्दी उड़ जाती है और कूलिंग फील होता है। कूलिंग क्यों फील होता है, कूल कूल क्यों फील होता है, उसका रीजन ये है कि वहां पर जो है वो मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो एनवायरमेंट से एनर्जी लेंगे, आपके हैंड की हीट एब्जॉर्ब करेंगे, जब आपके हैंड की हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो आपके हैंड की हीट कम हो जाएगी और उसकी वजह से आपका हैंड क्या हो जाएगा, कूल कूल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, जस्टिफाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, यहाँ पर हम एक और इसको पिक्चराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। आपके सामने जो है वो एक जग है जिसमें क्या हुआ है, दो तरह के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, एक जो है वो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, दूसरे आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं। जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं ये मैंने शो किए हुए हैं विद हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रेड वालों की एनर्जी हाई है, ब्लू वालों की एनर्जी एवरेज है। ठीक है, यानी लो कह लो। ठीक है, अब होगा क्या कि जिनकी एनर्जी हाई है वो क्या करेंगे, सॉरी, जिनके एनर्जी हाई है वो क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, उड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है,
क्या करना शुरू कर देंगे, एवापोरेट करना शुरू कर देंगे, जिनकी एनर्जी क्या है, हाई है। ठीक है जी, तो ये जो आपको ऊपर एवापोरेटेड मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं इनकी एनर्जी क्या है, हाई है, और जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं ब्लू करंट में इनकी एनर्जी क्या है, लो है। तो अब होगा क्या कि जब पीछे लो वाले रह जाएंगे, हाई वाले उड़ जाएंगे, तो लो वाले अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए इन्वायरमेंट से एनर्जी लेंगे, जिसके रिजल्टेंटली क्या होगा कि हो सकता है कि आपका जो बीकर है, जो ग्लास आपने पकड़ा हुआ है, वो ठंडा हो जाए, क्योंकि वहां से एनर्जी क्या कर लिया, मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ये जो फिनोमेना है बहुत ज्यादा आपको जो है वो नजर आएगा ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स में, हम इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो जाती है, ये गर्म हो जाती है, तो उसके रीजंस क्या है, सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद रखें कि वेपोरेशन जब हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, और उसका रीजन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तीन तरह के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, सर्फेस एरिया है, टेम्परेचर है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। सबसे पहले सर्फेस एरिया को देख, अच्छा रेट यहाँ पर देख लें पहले, रेट क्या चीज है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन। रेट का मतलब क्या होता है, हमेशा जहां पर भी रेट का वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से। जैसे एक गिलास आपने पानी रखा, वैसे जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, आपने एक गिलास पानी किसी रूम में रख दिया, किसी बंद जगह पर रख दिया जहां पर ज्यादा हीट नहीं है, और एक गिलास पानी आपने क्या रख दिया, धूप में रख दिया है, तो एवेपोरेशन दोनों में हो जाएगी विद टाइम। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि धूप में जो आपने ग्लास रखा है वो जल्दी वैपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द वन जो आपने जो है वो कहीं और रखा हुआ है, जो आपने कम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट किस तरह से है कि एक चीज जल्दी और एक स्लो हो, तो जाहिर है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, थोड़े टाइम में ज्यादा वैपोरेशन और ज्यादा टाइम में कम एवेपोरेशन। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को हम रेट से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन को सबसे पहले सरफेस एरिया इफेक्ट करता है जी, सरफेस फिनोमेना है एवेपोरेशन। ठीक है जी, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा होगा। अब आपने क्या किया, धूप में फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके भी देखिएगा, आपने एक टब लिया, टब का चूंकि सर्फेस एरिया ज्यादा है, उसमें आपने पानी एक ग्लास ही डालना है, एक ग्लास पानी डाला उसमें, दूसरी तरफ आपने एक ग्लास में एक ग्लास पानी डाल दिया, डाल के रख दिया। ठीक है, एक तरफ आपने टब में एक ग्लास पानी डाला, एक तरफ आपके पास एक ग्लास में एक ग्लास पानी है। ठीक है, तो होगा क्या कि टब वाला पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, उसका रीजन क्या है कि वहां पर सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक, इसके अगर हम जनरल से एग्जांपल भी लेते हैं कि जब आप चाय को ठंडा करना हो तो आप क्या करते हो, अक्सर उसको प्लेट में डाल के ठंडा करके उसको पी लेते हो। ठीक, तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हो, वहां पर भी आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो, कप की नस्बत प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपकी बुक की एग्जांपल है कि अगर आपको जल्दी हो और आपकी चाय ठंडी ना हो रही हो और आप स्कूल से लेट हो रहे हो और आपको डर हो कि फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे कि आप जल्दी से प्लेट में डालकर चाय को ठंडा कर लोगे ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और उसकी हीट जल्दी से रिलीज हो जाए और वो ठंडी हो जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ एवेपोरेशन इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अभी हम बात कर चुके हैं जी, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हीट देंगे उतनी जल्दी एवेपोरेशन होगी, जितनी कम हीट देंगे उतनी स्लो एवेपोरेशन होगी। चूल्हे के ऊपर पानी जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आपने उसको चूल्हे पे नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वाटर लेवल जो है, अगर हॉट वाटर है तो उसका जो कंटेनर है हॉट वाटर का, उसमें जो वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू ऐसा कंटेनर जिसमें क्या है आपके पास कोल्ड वाटर है, उसका रीजन अगेन टेम्परेचर है। अगर हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करें तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी इवेपोरेशन उतनी डिफिकल्ट होगी, उतना स्लो इवेपोरेटिंग रेट होगा। ठीक, कैसे, अगर आप बात करें वाटर की और एल्कोहल की, अगेन एल्कोहल जो है उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, वाटर में स्ट्रांग है। जिस तरह से हमने पढ़ा था जी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में। ठीक है जी, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वाटर में स्ट्रांग होंगी तो वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा एज कम्पेयर टू एल्कोहल जिसमें वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज है। ठीक है जी, तो वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज वाले जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे और स्ट्रांग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज वाले जल्दी इवेपोरेट नहीं होंगे। सही है जी, आपने करना क्या है, आपने इवेपोरेशन लर्न करना है, इसके फैक्टर्स अच्छे तरीके से याद करने हैं, एंड थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ें और साथ साथ पढ़ें। यस, थैंक यू।